Good morning everyone. Welcome in English grammar class. Today I am going to dictate rearrange words. Rearrange words किस तरह से होते हैं, यानी कि words को दोबारा से अरेंज करना, रीअरेंज कह लो या रीऑर्डरिंग कह लो, है ना। ये सेंटेंस जो होता है प्रॉपर वे में बनता है, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, एटसेट्रा। इन सब का एक वे होता है, हमने उस तरह से सेंटेंस बनाना होता है। लेकिन हमें जो है क्या है, ये आगे पीछे वर्ड्स करके दिए होते हैं, हमने ये देखना होता है कि किस वर्ड को हमने कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर ये वर्ड दिए हुए, जैसे लाइफ इन वेरी आर हॉबीज इम्पॉर्टेंट। इसमें कोई भी खास चीज नहीं बताई हुई कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। अब हम इसको क्या है, इसको अरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज, रीअरेंज करते हैं दोबारा से। ये तो लिखे अरेंज तो किए हुए हैं, लेकिन इसको रीअरेंज मतलब इसको ठीक करके कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाकर क्या है सेंटेंस बनाएंगे। देखिए इसका आंसर हमने नीचे लिखा है, यहाँ पे क्या बनाया हमने इसका, हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ये तो नहीं बनता ना कि लाइफ इन वेरी आवर, कोई सेंस नहीं ना बनती। अब हमने जो सेंटेंस बनाया, देखिए अब इसकी प्रॉपर सेंस बन गई, इसकी सेंस बन गई ना बिल्कुल। वैसे एक और सेंटेंस में आपको बताऊंगी, वर्क रूटीन आफ्टर टायर्ड आर एंड एनीबडी आवर माइंड। तो इसमें क्या है, इसको क्या बनाया हमने, आफ्टर रूटीन वर्क आवर माइंड एंड बॉडी आर टायर्ड, मतलब काम के बाद जो हमारी बॉडी जो है टायर्ड हो जाती है ना। और यहाँ पे ऊपर में क्या था, हॉबीज जो है हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हॉबीज ही नहीं होगी तो क्या करोगे आप, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है लाइक दैट। और यहाँ पे बताया कि काम करने के बाद हर इंसान की बॉडी और माइंड जब थक जाते हैं, ठीक है, और क्या प्रॉपर वे से इसको हमने बनाया है। आगे एक और सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है, वही क्लियर नहीं है उसका आगे पीछे के दिया है, क्या है ये आगे क्या लिखा है, टू सम वर्क हॉबीज अटेंशन आर डाइवर्ट अदर। तो इसको हमने किस तरह से इसका रीअरेंज इसको हमने किया है, इसको किस तरह से रीअरेंज किया हमने, हॉबीज डाइवर्ट आवर अटेंशन टू सम अदर वर्क। ठीक है, क्या बन गया, हॉबीज डाइवर्ट आवर अटेंशन टू सम अदर वर्क। जो हॉबीज है हमारी दूसरी काम की, तो तभी तो अटेंशन बनाएंगे जब कोई हमारी कोई काम करने की किसी में दिलचस्पी होगी, रुचि होगी, राइट। एक और सेंटेंस बताती हूँ आपको, इससे क्या होगा, आपको ये करना आ जाएगा, समटाइम्स मे बी फॉर सम वन द सेम वर्क ए प्रोफेशन फॉर अनदर हॉबी एंड। इसको हमने क्या किया, समटाइम्स द सम वर्क मे बी ए प्रोफेशन फॉर सम वन एंड हॉबी फॉर अनदर। ठीक है, इसको हम प्रॉपर वे में इसको लिखेंगे ना तो ये सेंटेंस बनता है, इसी को हम कहते हैं रीअरेंज। सेंटेंस को रीअरेंज किस तरह से करना है कि दोबारा से सेंटेंस को, और जहाँ पे सब्जेक्ट लगना है सब्जेक्ट लगाएंगे, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगना है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट लगना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेंटेंस को सही वे में, इसको प्रॉपर वे में लिखना होता है। दैट इज कॉल्ड रीअरेंज या रीऑर्डरिंग भी इसको बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।